भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आज का वीडियो आज तक के सारे वीडियो से थोड़ा अलग है, क्योंकि विषय है वास्तु। हमारे पास हाल में एक केस आया जिसमें एक बालक की तबीयत बहुत खराब थी और उनके हिसाब से वास्तु उसका कारण था, जो और एक्सपर्ट्स ने उनको बताया था। वहां से एक मन में एक विचार आया कि आप लोगों को वास्तु के बारे में जानकारी देनी चाहिए मुझे। तो आज जो पहला अध्याय है वास्तु का, उसमें मैं आपको एक दिशा के बारे में बताऊंगा। ये वो दिशा है जहां पर राहु का वास होता है। आमतौर पर हम मानते हैं कि दक्षिण दिशा जो है वो द्वार के लिए काफी खराब होता है, क्योंकि जो 45 देवता वास्तु के हिसाब से आपके घर में विराजमान रहते हैं, उसमें दक्षिण यम का स्थान है। लेकिन यम के स्थान से भी एक बुरा स्थान है जहां रोग और राहु दोनों बसता है, जो 225 डिग्री पे आता है, जिसको हम साउथ वेस्ट कहते हैं। और साउथ साउथ वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट, ये जो दिशाएं हैं ये काफी खराब मानी जाती हैं वास्तु के हिसाब से। वास्तु कौन है? अब तो वास्तु देवता, वास्तु पूजा, वास्तु मंत्र लोग कहते हैं, लेकिन वास्तु के विषय में जानना है तो आपको दो विषय जानना होगा। एक तो वास्तु शास्त्र जो है, ये कोई स्वायत्त शास्त्र नहीं है। जो शिल्प शास्त्र है, जिसमें कि मूर्तियां मंदिर कैसे बनाए जाते हैं उसका ज्ञान दिया गया है, उसी में वास्तु का ज्ञान है। दूसरा, वास्तु किसी देवता का नाम नहीं है। महादेव और अंधकासुर का जब युद्ध हुआ तो महादेव का एक पसीना पृथ्वी पर गिरा, जिससे एक दैत्य का निर्माण हुआ और वो दैत्य बढ़ता जा रहा था। इस दैत्य को उलट करके देवता उस पर खड़े हो गए। और इसीलिए जब भी आप वास्तु पुरुष का जब आप तस्वीर देखेंगे तो वो उल्टा रहता है, हालांकि हमारे स्क्रीन पे अभी सीधे दिख रहे हैं, लेकिन ये उल्टे रहते हैं। और जहां जहां जो जो देवता बैठे, एक भाग पर मुझे लगता है पश्चिम भाग पर एक असुर भी बैठा था, बाकी 45 देवता का 45 स्थान जो है वास्तु का है। इसमें जो सबसे खराब माना गया उसको साउथ वेस्ट बोलते हैं, 225 डिग्री, ठीक है। साउथ वेस्ट अगर आपके घर का एंट्री है, या साउथ वेस्ट में अगर आपके घर में शौचालय है, तो आप बहुत कष्ट में रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले आते हैं कि साउथ वेस्ट में अगर शौचालय आपके घर में है, ऐसे तो उसको मालिक का स्थान बोला जाता है, जो मालिक होता है घर का, उसको वहां पर रहना चाहिए। वैसे रहने से वो घर जो है मजबूत होता है, लेकिन अगर उसके अलावा वहां कुछ है जैसे टॉयलेट, तो क्या होगा? सबसे पहले राहु एक्टिवेट हो जाएगा आपके घर में। राहु एक्टिवेट होगा तो उस घर में कभी भी वंश वृद्धि जो है वो नहीं होगी, और वंश जो है वहां का रुक जाएगा। वहां कभी बालक होगा भी तो उसको पितृदोष होगा। और जैसे कि आप जानते हैं कि राहु का एक्टिवेट होने का मतलब है कि हमेशा वो व्यक्ति स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में रहेगा, ठीक है। हमेशा वो इल्यूजन में जिएगा, जो नहीं है उसको ही वो हमेशा सोचता रहेगा कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बुरा सोचेगा तो बिल्कुल ही बुरे ख्याली पलाव में चला जाएगा। इससे बदतर ये है कि वहाँ टॉयलेट ना होकर के सेप्टिक टैंक है, जहाँ पर सारा घर का मल मूत्र जो है एकत्रित होता है।
अगर वैसा हुआ तो उस घर में जो मेल मेंबर्स हैं, जो पुरुष हैं, उनका जो संख्या है वो घटेगा, यानी अकाल मृत्यु हो या फिर आप मृत्यु हो, लेकिन उस घर में पुरुषों की संख्या घट जाएगी, महिलाओं की संख्या बढ़ जाएगी। उस घर में जो भी व्यक्ति होगा उसे नींद नहीं आएगी, अनिद्रा की बीमारी हो जाएगी। और मान के चलिए किसी ने अपने घर में नया साउथ वेस्ट में सेप्टिक टैंक बनाया है, तो वो भले ही बिल गेट्स क्यों ना हो अपने व्यापार में, वो बिल्कुल ही रोड पर आ जाएगा। जब आप स्वतंत्र घर बनाते हैं तो ये आपके हाथ में रहता है कि टॉयलेट और सेप्टिक टैंक कहाँ रखें। कुछ शास्त्रों में ये बोला है कि आप वहां पर स्नान करने का स्थान बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन सेप्टिक टैंक और जो टॉयलेट है, जो शौचालय है, उसको वहां कभी नहीं रखना चाहिए। जब आप किसी अपार्टमेंट में रहते हैं तो अपने घर के टॉयलेट को देख लेना कि साउथ वेस्ट में ना हो, और जो सोसाइटी है उसका जो सेप्टिक टैंक है वो साउथ वेस्ट में कहीं ना हो, ये आपको देखना चाहिए लेने से पहले। अब तो मान लीजिए कि चलिए ये नहीं है, वहां पर आपका अगर गेट है, तो मैं आपको बता रहा था कि लोग मानते हैं कि यम का द्वार है दक्षिण, दक्षिण में गेट नहीं होना चाहिए। दक्षिण में अगर गेट हुआ तो थोड़ा बुरा हो सकता है, लेकिन अगर साउथ वेस्ट में अगर गेट है तो इसका वास्तु में कोई बहुत अच्छा उपचार नहीं है। मतलब आप कुछ एनर्जी डाइवर्ट करने के लिए जो ईस्ट और कुल देवता को समझते हो, जो घर में घुसते ही एनर्जी समझ जाए, वो हो सकता है कुछ लघु उपाय कर दें, लेकिन कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता है साउथ ईस्ट का, कुछ भी अगर वास्तु दोष होता है। जो गेट है अगर वो साउथ वेस्ट में है तो उस घर में हमेशा जो है लक्ष्मी का अभाव रहेगा, उस घर में लक्ष्मी प्रवेश ही नहीं करती है। और जो जातक उस घर में रहेंगे वो हमेशा आलस में रहेंगे, उनको लगेगा आज ये काम करना है, इसको 2-3 दिन बाद करते हैं, या फिर काम नहीं भी किया है, उनको ऐसा इल्यूजन हो जाएगा कि क्या कहते हैं उनका काम खुद ब खुद हो रहा है। इल्यूजन का ये हद हो जाएगा कि वो पैरानॉर्मल, सुपरनेचुरल और नॉर्मल जीवन में जो है फर्क भूल जाएंगे, उनको हर जगह भूत प्रेत दिखे चाहे हो या ना हो, ठीक है। और इस तरीके का जो है पूरा एक सिस्टम जो है लोगों का खराब हो जाता है। तो साउथ वेस्ट अगर आपके घर पे किसी भी तरीके का ओपनिंग है तो उसको तुरंत बंद करवाइए, किसी तरीके का गड्ढा है तो उसको तुरंत बंद करिए। इसका उपाय क्या है, इसका उपाय करना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन जो आपके ईष्ट देव हैं, जो आपके कुल देवता हैं और जो जातक, जो पूजा पाठ करने वाले हैं, उनके लिए इसका कुछ तो रेमेडी है, कुछ तो तोड़ है। व्यापक रूप से इसका यही रेमेडी है कि उस जगह पर जो भी वास्तु दोष है उसको हटा दिया जाए। तंत्र में इसका एक उपाय है, राहु का जो प्रभाव कम करने का उपाय होता है, एक तो बजरंग बली की पूजा करें आप, या फिर जो सर्वोत्तम उपाय है कि घर में भैरव जी की स्थापना करें और भैरव जी की पूजा करें, नॉर्मल पूजा, विग्रह रखकर नहीं, यंत्र रखकर नहीं, क्योंकि जो भी निम्न ग्रह हैं वो भैरव जी के सेवक होते हैं और उनकी पूजा करने से बहुत लाभ हो सकता है आपको। लेकिन जैसा मैंने बताया कि ये फुल्ली रिजॉल्व तभी होगा जब ये जो दिशा है, जो सबसे बुरा दिशा है, रोग का दिशा, राहु का दिशा है, इसको आप ब्लॉक करें, यहाँ से कोई भी एनर्जी का प्रवेश आपके घर में ना हो, ना टॉयलेट हो, ना सेप्टिक टैंक हो, और गेट तो कतई ना हो। ये सारी चीज़ों को अगर आप कर लेते हैं तो पहले स्टेज में जो घर है वो ठीक रहेगा। आने वाले खंडों में और जो वास्तु का जो मूलभूत बात है जो आपको जानना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। मैंने पहले बताया था कि घर में अगर पूजा पाठ हो रहा है और गेट पर अगर पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर लगी हुई है तो उस घर में वास्तु बहुत प्रभावशाली नहीं होता है। लेकिन फिर भी क्या है कि अगर आपको ज्ञान है वास्तु का तो कोशिश यही करनी चाहिए आपको कि ऐसे जगह को ना लें जहाँ पर इतना मेजर वास्तु का कोई दोष हो। आज के लिए इतना ही। जिनको पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, जिनको बेसिक साधना सीखनी है कि अपनी
साधना के आगामी जो शुरुआती आयाम है उसमें क्या क्या कर सकते हैं वो पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। नंबर है 9431188585। जिनको मुझसे बात करना है वो इसी नंबर पर मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, या कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिएगा, उसमें rudranath@cm4 आप सर्च करेंगे तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा। आज के लिए इतना ही। भगवान काल भैरव आप सभी को सुखी समृद्ध रखे, आपके घर को जो है वास्तु दोष से मुक्त रखे, ऐसे प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश।